अयोध्या मामले पर कब कब क्या हुआ यह भी आपको बता दें, अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की गई। अगस्त 2003 को पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई। जून 2003 में शंकराचार्य ने मध्यस्थता का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 20 मई 2010 को हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। 26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 30 सितंबर को कोर्ट का फैसला आया और तीन हिस्सों में जमीन को बांट दिया गया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 25 नवंबर 2018 को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में एक धर्म सभा आयोजित की गई। इसके बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल रहा। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई।